दोस्तों, भारत रहस्यों की धरती है और यहाँ पर इतिहास के ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन जितने रहस्य भारत के मंदिरों में देखने को मिलते हैं उतने तो कहीं और नहीं दिखते। ऐसे ही मंदिरों में भगवान शिव का ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, इस शिवलिंग को दुनिया का इकलौता जीवित शिवलिंग कहा जाता है। ये शिवलिंग स्थित है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। इस पूरे इलाके को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक शिल्प कला के नमूने देखने को मिलते हैं। इसे देखने के लिए दुनिया भर से भक्तों की भारी भीड़ हर रोज यहाँ मिलती है। इन्हीं के बीच यहाँ पर स्थित है माँ तंगेश्वर मंदिर। इसी मंदिर के गर्भगृह में स्थित है एक रहस्यमयी शिवलिंग। इस शिवलिंग की ऊंचाई 9 फीट मापी जा चुकी है और कहा जाता है कि ये शिवलिंग जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के अंदर माना जाता है। ये शिवलिंग हर साल 1 इंच के बराबर बड़ा हो रहा है और इसे हर साल इस मंदिर के पुजारी द्वारा मापा जाता है, जबकि पर्यटन विभाग के कर्मचारी भी इस शिवलिंग को मापने के लिए हर साल यहाँ आते हैं और इस दावे को उन्होंने भी सच माना है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग ना सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है बल्कि धरती के नीचे भी उतना ही नीचे की तरफ बढ़ रहा है। यानी इस शिवलिंग का आकार हर समय एक ही तरह का रहता है, चाहे फिर वह धरती के ऊपर हो या धरती के अंदर। इस शिवलिंग की कहानी भी पुराणों में अनोखे ढंग से बताई गई है। पुराणों में भगवान शिव के पास मरकट मणि थी जो उन्होंने पांडवों के भाई युधिष्ठिर को दी थी। युधिष्ठिर ने यह मणि मातंग ऋषि को दी। मातंग ऋषि ने यह मणि हर्षवर्धन को दी थी। तब राजा हर्षवर्धन ने इस मणि को जमीन में ही गाड़ दिया। इस मणि में बताया जाता है कि अपार शक्ति थी, लेकिन इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। इस मणि के आसपास इस शिवलिंग का निर्माण होता चला गया। ये मणि मातंग ऋषि के पास थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम मातंगेश्वर पड़ा। इसी मणि के कारण इस शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ता है। इस मणि की शक्ति के कारण ही इस शिवलिंग के आसपास अनेकों चमत्कार होते हैं। यहाँ तक कि कई बार इस शिवलिंग के आसपास बैठे पुजारियों को या फिर भक्तों को शिवलिंग से सांस लेने की आवाज़ भी आती है, जिस कारण ही इसे जीवित शिवलिंग कहा गया। और जिस तरह जीवित इंसान बढ़ता है उसी तरह यह शिवलिंग भी इंसानों की भांति ही अपना आकार बढ़ा रहा है। इस शिवलिंग के पुजारी बताते हैं कि इस शिवलिंग का रिश्ता कलयुग से है। इस शिवलिंग का ऊपरी भाग स्वर्ग की तरफ बढ़ रहा है तो वहीं शिवलिंग का निचला भाग पाताल लोक की तरफ बढ़ रहा है। जब यह हिस्सा पाताल तक पहुंच जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार होते आ रहे हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में मांगी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन यहाँ भक्तों की संख्या लाखों से करोड़ होती जा रही है। यानी कि इस मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आप भी एक बार इस मंदिर के चमत्कार से साक्षात्कार होने के लिए यहाँ पर जरूर आए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय महादेव चौबीस लिखें।